बसमिल्लाम्समैक्म मैं हूंबिकाजमी आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब नाजिन जनरल बाजवा साहब की ऑडियो लीक इनके हवाले से सामने आ गई उस पर मैं बात करता हूं और सुप्रीम कोर्ट जो एन आर ओ टू खत्म करने नैब तरामीम पर लगता है जनरल बाजवा साहब की आवाज खुल चुकी है क्योंकि जो लेटेस्ट ऑडियो सामने आई और उसमें बाकायदा तौर पर ये लोग जो है उनके मैं नाम आपको बताता हूँ इन्होंने आ, क्या कहा जनरल बाजवा के मुतल कि जनरल मुशरफ़ से भी ज़्यादा इसका इब्रतनाक इंजाम करना से जरा रिटायर हो देने दो तो अब जनरल बाजवा जो है वो क्या करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मामला भी इसके साथ साथ जो पाकिस्तान से मुतक सेंट्रल कमांड के कमांडर जो है अमरीका के सबसे ताकतवर अपनी आप दो जिसे क्राउन जूल्स कहते हैं एटमी हथियारों से वो लेस बहिर अरब में पाकिस्तान और ईरान के करीब आ पहुंची और हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर शुमाली गुजरात पर सबसे बड़ी एक एयर बेस या हवाई अड्डा है उसे लॉन्च करने जा रहे हैं एक ऐसे मौके पर जब इंटरपोल जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है जिसमें पाकिस्तान एफ आई ए का डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट भी वहीं मौजूद हैं ये मामला क्या है ये इतना करीब हिंदुस्तान हवाई अड्डा क्यों बना रहा है और फिर इसके अलावा अंदरूनी हालात जो है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर उन्हें कलदन तंजीमों को तो खत मिल रहे हैं सवात में हालात मजीद कशीदा हैं और सबसे बढ़कर उस जनरल का नाम सामने आ गया जिसे इमरान खान आर्मी चीफ लगाना चाहते थे इन तमाम मामला पर मैं आपको तफसल आपके सामने रखता हूँ सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में बहुत तशवीशनाक है हालात जो है वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं हकूमत में मौजूद लोग नून लीग और आसिफ सरदारी साहब इंतजार करें कि कब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट का दिन आए नवाज़ शरीफ को ख़ास तौर पर इंतज़ार है कि ये जनरल बाजवा को हर सूरत में निशान इबरत बनाना चाहता है और इसमें अली जरदारी इसकी पूरी मदद करेगा क्योंकि इन सब लोगों को लगता है और वैसे भी देखें नेचर का एक प्रिंसिपल है कि जनरल बाजवा ने जिस तरह आवाम को धोखा दिया इमरान खान को धोखा दिया अब उनके साथ वही होने जा रहा है जहाँ इन्होंने मुंतब हुकूमत को गिराया पाकिस्तान की वहाँ आपको पता है खारजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुँचाया इंटरनेशनल लेवल पर ये देखें सऊदी अरब और रूस के साथ ये अब जुड़ने के लिए बेचैन है तो दूसरी तरफ ये मुल्क में चाहते हैं कि ऐसा काम हो कि इनकी साख जो है दोबारा बहाल हो जाए लेकिन जल्दबाजी में आप जाहिर हथियार भी नहीं फेंकना चाहते तो इस वक्त लोग जो हैं हुकूमत में भी और बाहर भी इनकी रिटायरमेंट के इंतज़ार में कि कब हम सुख का सांस लेकर मामला को आगे बढ़ाएं अभी आपने हाल ही में देखे इंटरनेशनल लेवल पर अमरीकी सदर जो बाइडन के हवाले से बड़ी ख़तरनाक बातें सुनी और यह हमारी तारीख में एक अनहोनी दास्तान लिखी जाएगी कि पहली दफ़ा अमरीका का कोई ऐसा सदर बरह रास्त पाकिस्तान की पूरी कौम को मुल्क को ख़तरनाक कह रहा है और वो चाहते हैं कि इनके एटमी हथियार ले लें और दूसरी तरफ इस वक्त ये कहा जा रहा है जब फौजी आदत और उनकी कठ पुतली हुमरान जमात यह दावा कर रही है कि हमारे अमरीका से बेहतरीन तल्लत हैं जो जवाब में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फिर एटमी हथियारों के बारे में बयान दिए गए कि जी बड़े महफूज हैं लेकिन बार बार मैं आपको बुनियादी नुकता बताता रहा कि चीन से दूर करना अवाम में अख्तलाफ और हमारे एटमी हथियार ये तीन इनका मिशन था जिस पर काम होता रहा बहिर अरब में पाकिस्तान और ईरान के बिल्कुल पानी के पास अमरीकी सेंट्रल कमांड जिसका काम अफ्रीका से लेकर जहाँ तक तमाम पर नज़र रखना उन ममालिक जहाँ अमरीका को अपनी सलामती से खतरा है ये डिफेंस डिपार्टमेंट जो सेंट्रल कमांड है उसका कमांडर जनरल माइकल एरक कुराला उसने अपनी टॉप ऑफ द रेंज एटमी अबदोज में बैठ कर पाकिस्तान और उन ईरान के उन इलाकों का मुकम्मल दौरा किया अब यहाँ पर आपको पता है अबदोजें आने जाने लाने के मामलों को चेक किया गया और वो भी एटमी उसका ये फैसला क्यों किया गया कि एक तरफ उन्होंने जिस तरह यूक्रेन की मदद की अब वो रूस को भी इस रूस के साथ जो ईरान जुड़ा जुड़ाया रूस ईरान हथियार पहुँचा है एडवांटेज मिल रहा है उसे और पाकिस्तान को सऊदी अरब और रूस के कैंप में जाने की वजह से इन दोनों को बिना सोचे समझे जो हालात में इन्होंने जम पाकिस्तान ने खबर मारी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब अमेरिका इन दोनों को सबक सिखाने के लिए इनकी सरहदों के करीब आता जा रहा है ताकि इन पर नज़र रखें इन पर कंट्रोल करें और ईरान में तो उन्होंने पूरा एक सिस्टम ही चला दिया है और दूसरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान के शमाली गुजरात में एक नई एयरबेस बनाने अब देखें नरेंद्र मोदी का जो पैगाम नेहरू के उसने कहा नेहरू कबूतर छोड़ा करता था हम लोग अफ्रीका से लाए वो चीते यहां छोड़ ये यह एयरबेस बनाते हुए पैगाम था हिंदुस्तान अपनी दिफाही ताकत को बढ़ा रहा है मुकम्मल तौर पर उन्हें अमरीका के आशीर्वाद है क्योंकि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं एक तरफ अमरीका चार मिलियन डॉलर लेकर एफ के पार्ट्स बेचता है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान को रूस से एस फोर हंड्रेड जो उनके मिसाइल सिस्टम लेने पर उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाना अच्छा ये रूस से सबसे ज़्यादा सस्ता तेल भी हिंदुस्तान ख़रीदता रहता है मामला भी आगे बढ़ने ले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहना और यहाँ पर हमारे ऐसे बुजदिल हुक्मरान और जर्नेल और ये सियासी हुकूमत निकली कि अमरीका इस वक्त तारीख की सबसे आपको पता है हारी हुई ताकत है इस वक्त मगर डूबता हुआ सूरज है हालात तो उनके देख लें जरा आप कि सऊदी अरब और अमारात के लीडर तक इनका फ़ोन उठाना गुवारा नहीं करते बाइडन ये लोग मुल्की मफाद को पाकिस्तान में जो है सलामती या मीशत से नहीं अमरीका से नहीं डरते इस वजह से जाती कारोबार उनके इस अम्पायर से जुड़े हुए हैं इन्हें पता है कि जब भी मुश्किल में आए इन्हीं ममालिक ने इन्हें पना देने अभी जो नरेंद्रा मोदी ने बड़ी अहम बात कर दी उसने कहा मैं चीन रूस अमरीका सऊदी अरब अरब अमारात इनके तमाम लीडरान से मिला और मैंने एक सवाल पूछा उनसे कि ठीक है हम अमन की बात करते हैं लेकिन हमें यह बताएं हम किस से बात करें पाकिस्तान चला कौन रहा है आर्मी चीफ चलाता है इनका आईएसआई आई चलाती है या इनकी इलेक्टेड हुकूमत चलाती है और यह मामला सब बड़ा संगीन है क्योंकि देखें अवाम जिसे वोट दे रही है जो सामने आ रहा है उसका नाम इमरान खान है उसकी हुकूमत इन्होंने इस तरह बरतरफ की अब उसे दोबारा आने के लिए भी शदीद तरीन मुश्किल इलेक्शन ही नहीं करवाने इंसाफ अदल मेरिट अखलाकियात हर किस्म की इन्होंने निज़ाम की धजियाँ बखेर दी और सवाद में तो हालत एक ही यहां तक पहुँच चुकी है कि हकुमत के को इस तरह छोड़ा जा रहा है को कि, कि वहां पर तहरीक की हकूमत है यह इनकी हालत है इस वक्त और एक तरफ हालात यह हो चुके हैं कि अमरीका हिंदुस्तान पर चढ़ तोड़ने को तैयार है हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि जो इमरान खान की सारी मेहनत में ग्रे लिस्ट में निकालने के लिए इमरान खान ने वो आपको पता है सेशन पे सेशन में आपको बताता रहा पूरी वीडियोज पढ़िए मेरी उसे रोका जाए तो दूसरी तरफ ये कोशिश करें कि इस हाक डार और मनी लॉन्ड्रिंग का जो सरगना है शहबाज शरीफ इनका नाम सामने लाए तो यही तो वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में गया इसीलिए इस हाक डार एमरजेंसी में अमरीका गया वहाँ बातचीत हुई असल में स्टैब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह घबरा चुकी है और उसकी बड़ी वजह है कि आप खुद सर सामने रख के देखें इमरान खान की सियासत में आने से पहले अगर आपसे कोई कहता कि मुस्लिम लीग अपनी चार सीटें हारकर पीपल्स पार्टी की दो सीटों पर जश्न मनाएगी तो क्या आप जी शोर बंदा इसे यकीन कर सकता था या दस साल पहले अगर आपसे कि नवाज शरीफ लाहौर में इलेक्शन जीतने के अब काबिल नहीं रहा तो आप मान सकते हैं लेकिन अब मामलात यही हैं कि एक तरफ तो इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट मज़बी सियासी जमात जो है जिसने अभी हालिया इलेक्शन में तीन सौ वोट लिए उसे इमरान खान के खिलाफ दोबारा पंप किया जा रहा है उसे सामने लाया जा रहा है जिसका हुकूमत फ़्रांस से आपको पता है तल्लत बनाने से कबल बड़ा इमरान ख़ान पर गुस्सा था अब नहीं आता उन्हें इस हकूमत पर तो बिल्कुल ही नहीं आता तो दूसरी तरह जनरल फ़ैज़ की जो खुश खुशी लुडियाँ डालती वीडियो सोशल मीडिया पर एक मज़मूम तरीके से फैला रहे और उसके साथ साथ कप्तान सफर से कहलवा रहे कि जनरल बाजवा तो मेरे वालद हैं यानी मरीम नवाज़ के सुसर नवाज के समदी या जुनेद सदर के दादा बू अब कुप्तान सफदर से ये पूछे कि जनरल फ़ैज को गाली गलोच करवा रहे लेकिन अभी जो शेख रशीद ने हलफ़ पर यह बात कर दी कि इमरान खान जनरल फ़ैज़ को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहते थे वो अगर किसी को लगाना चाहते थे वो इस दुनिया में नहीं और वो है जनरल सरफराज इमरान खान की नज़र थी शहीद जनरल सरफराज पर और इसमें कोई शक नहीं हेलीकॉप्टर का जो हादसा था इसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा हीरा किस्म का जनरल जो है खो दिया वाक़ आर्मी चीफ बनने के का काबिल और यही इसका कसूर था और मुझे अभी भी ये लगता है कि इनकी शहादत पर देखें कोई ख़ास ऐसी रिपोर्ट नहीं खराब मौसम हेलीकॉप्टर लेकिन इमरान खान की पसंदीदगी आर्मी चीफ बनने का ये चांस और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में हमेशा यही होता है या लोगों को खरीद लो तो या उन्हें रास्ते से हटा हटाओ चाहे वो डॉक्टर रिजवान हो या चाहे जनरल सरफराज हो ये सारा गंदा खेल ताकत के इकतदार में रहने अभी एक अरब डॉलर नवाज शरीफ का ट्रांसफर हुआ है किस अकाउंट में अभी तक पता नहीं लग रहा ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी इसीलिए चल रही है रियाज पीर ज्यादा भी शहबाज शरीफ ग्रुप का पहली मरतबा इधारों के ऊपर उसने रगड़ के रख दी कल जिसने कहा आजम स्वाति ने देखे सिर्फ एक फ़र्द वायद के ख़िलाफ़ ट्वीट की थी ना पहले हमेशा मरियम नवाज़ का ग्रुप फौज के, के मुखाल बात करता पहली दफ़ा शहबाज शरीफ का ग्रुप भी अब सामने आ गया क्योंकि ये इस्टेबलिशमेंट सिर्फ अपने आप को किंग मेकर होने का एक तासर बनाना चाह रहे हैं इस गंदे खेल में और पी डी एम के साथ साथ इनकी अपनी भी बका की जंग है क्योंकि उन्हें पता है इमरान खान आया तो इस दफ़ा इन्हें वाकई हमेशा के लिए बैरकों में जाना पड़ेगा इन्होंने कोशिश की कि दुनिया को दिखाएं कि जी इमरान खान की मकबूलियत नहीं है इमरान खान ने अकेले ही सात हल्कों में इलेक्शन लड़ा जीत गया अब हाजी साहब किंग मेकर तब थे जब इन चोरों के डाकों के तमाम ग्रोहों के दरमियान इनकी तमाम कमज़ोरियाँ उनके हाथ में थी तो ये इकतदार बांटते थे इनके दरमियान इस दफ़ा इमरान ख़ान ने पहली दफ़ा इन्हें लगा कि इमरान ख़ान से हकीकी ख़तरा है तो उन्होंने पहले वो आर टी सिस्टम बंद कर दिया चालीस हज़ार सीटें छीन कर चंद रवायती सियासतदान जोड़ दिए दो हज़ार अठारह में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं मान रहे नैब का कानून हर किस्म के दो नंबर गंदा घटिया बदबूदार इंसान इकतदार में लाकर अपना एजेंडा पूरा करने के चक्कर में लेकिन कब अब जो पचहत्तर साल मुजस्मा ताकत का मुजस्मा वो ऐसे टूटा कि अब इसको सलाह साल लगेंगे दोबारा जुड़ने में और अब वो जो ताकत का फैसला करने की इनके अंदर तक वो अब लोग इन्हें नहीं देख रहे उस तरह अदालतें देखें जस्टिस मंसूर शाह नायब तरमीम में कहते हैं बड़ा अहम सवाल था कि आर्मी को नैब कानून से बाहर क्यों रखा सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों नहीं नजर आया कि जो करप्शन पर जो जायज़ करप्शन पर मुल्म खुद कटहरे में खड़ा होकर खुद इकरार करे ये सब आराम से मैंने कमाया है सबूत भी वो दे फिर भी कहते नहीं इन्वेस्टिगेशन का काम है अब पब्लिक ऑफिस होल्डर सारा पैसा भी करप्शन का भी बच्चों के नाम का तो पूछने को कोई नहीं करप्शन पे नैब का ये इनको जैसा को नजर नहीं आया अफवाज पाकिस्तान को नैब के कानून में क्यों डालें उनके होते हुए एवन फील्ड दुबई प्लाजा वो बड़ा बाजवा फ्रेंचाइज ये सारी आप देखें तमाम इतारे पाकिस्तान के सब तब बर्बाद हो रहे हैं लेकिन अस्करी बैंक ने नौ महीनों में दस अरब का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया अब आप अंदाज़ा कर लेंगे मामला कैसे चलते हैं इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के जो मामला हैं उन पर नहीं है खलदम तंजीनों पर नहीं है अफगानिस्तान के हालात पे नहीं है बॉर्डर के उस तरफ नहीं है उसके दाएँ बाएँ नहीं है इनका ध्यान जी वजे अजम कैसे लगाना है इमरान खान को कैसे रोकना है नवाजशी को वापस कैसे लाना है मीडिया के लिफाफों को कैसे मैनेज करना है इनका सारा ध्यान उस पर है आप उसकी मिसाल देख लें बहुत बड़ी मैंने आपको हिंदुस्तान का बताया था कि ये लोग चाहे अभी क्रिकेट की मेरी डिप्लोमेसी नहीं चल रही ये उनके साथ वो उनको क्रिकेट नहीं खेलने दे रहा हिंदुस्तान तो ये उनके साथ आलू प्याज की सियासत के चक्कर में अभी एक बैकडोर मुलाकात कर चुके हैं और अब तो नाम भी सामने आ गए हैं हिंदुस्तान की तरफ से जेपी सिंह थे और दो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के थे अफसर बैठे हुए पाकिस्तान की तरफ से वो जलील अब्बास जलानी साहब थे और उनके साथ जो है वो जो कि फ़ॉरन सेकटरी हैं और, और ब्रिगेडियर जुल्फ़ार अली भट्टी ये आई के डायरेक्टर हैं ये इन्होंने बैठ के कहा जी के मामलात ख़राब क्यों और ठीक करें अब सोचने की तो ये बात है कि मीडिया के कौन से लोग इनके साथ ताउन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वही जो इनकी हमेशा मुखालफत करते रहे इसहाक डार जब वापस आया देखे लोगों ने ट्विटर पर लुडियाँ डाल दी वो खरीदा फारूकी सक लिखती थी कि डॉलर आया डॉलर सात रुपये गिर गया बताया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आई टी की सनत भी गिर गई है और डॉलर भी ब्लैक में दो सौ छत्तीस का मिल रहा है इन्हें उस वक्त गुस्सा है कि इमरान खान ने क्यों कहा कि अब मर्दों में घुसती हैं तो इनके जो हमायती हैं देखें ज़रा वो जो एमन फील्ड के बाहर बंधे हुए हैं कुछ लोग उनकी ज़बान सुने ज़रा आप मेरा ख्याल है मरीम साहबा ने वो सारी जबान देखी होगी ऐसे लगता है उनके मुँह को बवासीर हुई है ये क्या कह रहा है पाकिस्तानी खुवान खौत, को एक लफ्ज़ कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं बोला इन्हें आप लिफाफा कह दें जरा उन्हें ट्विटर पर देख लें लिफाफा साफ़ी कह दें इस्टेबलिशमेंट और इमरान खान के दरमियान अभी इन लोगों ने जो बातचीत की खबर जो तकरीबन मैंने बहुत पहले बताई और बहुत सारे अब लोगों पर सागी उसकी वजात कन्फर्मेशन भी लेकिन इन्होंने गरीदा फारूकी मुबलकमान सलीम साफ़ी मंसूरली ख़ान नजम सेठी असमा शराजी हामिद मीर अफसार आलो इन लोगों ने कहा कि जी दस मिनट के अंदर अंदर वो ख़बर कि जी मेरे ने के हिसाब से व्हाट्सएप अब व्हाट्सएप पर मरीम साहबा ने खबर देती हैं और कौन देते हैं फिर कहते हैं जी हमें लिफाफा कहते हैं वो सारी ख़बर की दस मिनट के अंदर एक एक, एक करके बाहर वही खबर अब मुबशल्कमान के नाकबले ज़मानत वारंट तो जारी हो चुके हैं और जे एस ग्रुप पर जो उसने झूठे अल्जाम लगाए उन्होंने कहा जिसने पहले फवाद चौधरी ने से लपाड़े लगाए हैं और इनकी जो दूसरी हैं रिहान खान साहब रोज़ डार के ऊपर लगाती हैं ट्वीट वो भी वहाँ माफ़ी मांग चुकी हैं जुल्फी बुखारी से लिख कर तो ये अब खरीदा फारूकी साहबा के लिए सारे इकट्ठे हो गए जी कि इमरान ख़ान ने कहा मर्दों के अंदर घुसती हैं वो तो तस्वीरें देखें आप कैमरा पकड़े किस तरह शहबाज शरीफ के आगे आगे जी प्रोफेशनल ड्यूटी कौन सी ऐसी ड्यूटियाँ इस तरह होती हैं सबको पता है अब ये सारे इसी लिए बेनकाब है एक ट्वीट इनको भेजी जाती है उसको ये सारे लोग कॉपी करते हैं और वो बारी बारी अपने अपने पेज पे लगाते हैं अब टाइम ड्यूरेशन देखें पूरे अच्छा दस मिनट के अंदर पंद्रह लोगों की एक ही ट्वीट आ जाती है फिर ये कहते हैं हमें लफाफा लफाफा कहते हैं अपने दिमाग का बस का लफ्ज़ तो आगे पीछे कर दिया करो खुदा के बंद बहर अपना खास ख्याल रखें मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़